राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। बाबा आमटे। एक कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई। बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।
उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता। उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यह कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। भयानक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देना तथा उनमें आत्मसम्मान जगाना, इस काम में उनका साथ दिया उनकी पत्नी श्रीमती साधना आमटे ने, जिन्हें आनंदवन में सभी प्यार से ताई कहते हैं। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगरपालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। उसके खुले घाव देखकर और करुण पुकार सुनकर वे कांप उठे। उन्होंने उसे एक कपड़े से ढांप दिया। वे सोचने लगे, यदि मुझे या मेरे परिवार को ये रोग हो जाए तो क्या हो, कितना घृणित रोग है ये। उनका मन भय से कांप उठा।
बस यही था वो क्षण जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने सोचा, जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को यह भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे इन पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी, और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं, और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है, काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को
कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। बाबा आमटी के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है। आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहां की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहां के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। कहीं छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंद वन सचमुच आनंद का वन है। बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है। बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैक्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त
समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। बाबा आमटे। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।